आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं इसरार अहमद इसे मौजूद हूं अम्बेडकरनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के साईं बाबा गौरी बाबा महाविद्यालय। कुछ बच्चे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है, यहां पर मंदिर पर यहां पर पहुंच हुए हैं, गांव में जागरूकता निकाल रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं। आइए उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ से लेते हैं। प्रबंधक महोदय जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना है क्या? राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बच्चे सब दिवसीय विशेष शिविर का आज चौथा दिन चल रहा है। बच्चे गांव में प्रभात फेरी किए, सफाई किए, रंगोली की प्रतियोगिता किए और साक्षरता का कार्यक्रम चलाए। उसके बाद आज मंदिर, जो कभी आज के 35-40 साल पहले इस मंदिर को गोरखपुर पीठ के महंत श्री अवैधनाथ जी और बनारसी प्रसाद विधान गुप्ता जी, बनारसी प्रसाद जी विधानसभा अध्यक्ष थे, आ करके इस मंदिर का उद्घाटन किए, मंदिर का स्थापना किए। उस वक्त सच्चिदानंद महाराज यहाँ मंदिर के पुजारी हुआ करते थे और उन्होंने ही अपने प्रयास से गोरखपुर महंत जी अवैधनाथ जी को, बनारसी प्रसाद जी को लाए थे। इस मंदिर पर पुजारी रहते थे, पूजा पाठ होता था, गांव के लोग आते थे। एक रमणीक स्थल बना हुआ था, यहाँ आश्रम था, पुजारी के लिए कोठरी थी और सुबह शाम यहाँ एक बृहद कार्यक्रम बनता था, लोग आते थे, आनंद की अनुभूत होती थी, गांव का विकास होता था। आज इस मंदिर की दशा ये हो गई है कि मंदिर में जो इसके पहले तत्कालीन प्रधान, वर्तमान प्रधान ने ध्यान नहीं दिया, जिसके नाते आज रास्ता को लोगों ने अगल बगल से कब्जा कर लिया, मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ दिया गया और नंदी जी अभी विराजित हैं। मंदिर बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे यह तय किए हैं कि हम इसकी साफ सफाई आज किए हैं, कल भी करेंगे, जब तक शिविर चलेगा आके सफाई करेंगे। हम सरकार का भी ध्यान देना चाहते हैं कि इस मंदिर का विकास हो। इस मंदिर को उस तरीके से लूटा गया जैसे सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। यहाँ के लोग जो संभ्रांत थे, उस मंदिर के आश्रम की ईंट निकाल ले गए, पुजारी की कोठरी की ईंट निकाल ले गए, ले जा करके लोगों ने अन्यत्र उपयोग में लिया, अपने व्यक्तिगत काम में लिया, मंदिर की दशा दयनीय हो गई। अगल बगल जो जमीन बची हुई थी उसको लोगों ने कब्जा कर लिया। अब मंदिर पर कोई नदी के घाट तमसा तट पर भी अगर जाना चाहता है तो स्नान नहीं कर सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात पर ध्यान दें कि मंदिर महंत अवैधनाथ जी द्वारा बनाया हुआ, स्थापित किया हुआ था, ये मंदिर पुनः अपने पुनरावृत्त में पहुंचे और मंदिर के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। हम चाहते हैं कि अनुदान के माध्यम से यह मंदिर एक फिर अपने उत्कर्ष के रास्ते पर पहुँचे, जिससे गाँव का, समाज का और एक सर्वांगीण विकास हो सके, लोग आपस में मिल के कार्य कर सकें और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर कम से कम 7 दिन इसी मंदिर की साफ सफाई सेवा में लगा रहे और कैंप यहीं लगे, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा विचार है। आप मंत्री जी द्वारा आप समाज भी किए गए हैं सरकार में, क्या कहना है राष्ट्रीय सेवा योजना? मैं जब पूर्वांचल विश्वविद्यालय का NSS का कोऑर्डिनेटर था तो उस वक्त मेरे पास करीब 11 जनपद थे और 11 जनपद में माननीय श्री
माननीय राज्यपाल श्री बीएल जोशी साहब ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मानित किया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अवनीश अवस्थी साहब ने सम्मानित किया। उमेश निर्वाचन प्रमुख सचिव तत्कालीन श्री उमेश सिन्हा साहब ने सम्मानित किया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। पिकअप भवन से डॉक्टर मिल्ला शर्मा डायरेक्टर ने प्रमाणित किया, जिलाधिकारी लखनऊ ने किया। वर्क ही मुख्य होता है, जब हम कोऑर्डिनेटर थे तो इतना वर्क मैंने किया था कि मुझे दिल्ली लखनऊ में सम्मानित किया गया, और वही सम्मानित करने आते मैं गांव में भी चाहता हूं कि जब मैं कभी गांव में आया था तो वित्तीयकरण का कार्यक्रम करने का काम किया। मैं चाहता हूं कि मंदिर भी उसी रूप में एक भव्यता के रूप में पहुंच जाए, कम से कम इस गांव में दीपक जलता रहे मंदिर पर, यहां कीर्तन भजन होते रहें, लोग तमसा नदी पर स्नान करते रहें, तमसा नदी की घाट भी बढ़िया से बन जाए, जैसे पुनरावृत्त में चल रहा था उसी रूप में चले। हमारी शुभकामना, हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि महंत अवैधनाथ जी द्वारा स्थापित किया है, उसी पीठ पर आप बैठे हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप इस मंदिर पर भी अपना आशीर्वाद दे देंगे तो मंदिर भी उसी स्थान पर पहुंच जाएगा। हमारे सामने अब बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे आखिर जानकारी लेते हैं, आखिर उन्होंने आज तक क्या सीखा, चार दिनों में उन्होंने क्या सीखा, उनसे बात करते हैं। कुछ हमारे सामने यहाँ पे, क्या नाम है आपका? बोलो भाई। तो क्या आप सीखा आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत? यहाँ पर हमें सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि खाना बनाना और सिंगिंग, डांसिंग, सभी चीज़ें बताई जाती हैं। जिसमें और भी बच्चे हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस सबके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पे आप लोग आई हैं, मंदिर के पास आई हैं, तो क्या मंदिर को देख करके क्या लगा आपको? मंदिर को देख करके बहुत अच्छा लगा, मंदिर बस ये टूटी है, इसे बनवाएं और अच्छे से यहाँ पे पूजा हो, भजन कीर्तन हो, गांव के लोग सहयोग करें। अभी और लोग भी यहाँ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। ये नाम है आपका? श्रद्धा शर्मा। तो क्या लगा आपको यहाँ पे, आप जो कार्यक्रम कर रही हैं कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मंदिर पे आई हैं, सफाई भी की हैं, पूजा पाठ भी की हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मंदिर के बारे में क्या सोचती हैं आप? मंदिर के बारे में यही सोचते हैं कि साफ सफाई हो, यहाँ पे पूजा पाठ हो, और भी सभी लोग सहायता करें, इसकी और भी उन्नति हो, यही चाहिए। अभी हमारे सामने कुछ ग्रामीण भी, जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, कुछ ग्रामीण भी आ गए हैं यहाँ पे, उनसे भी बात, क्या सोचते हैं, क्या मांग उन सबकी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। तो क्या आपकी मांग है, क्या है? जीर्णोद्धार आवश्यक है, मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और सरकार के माध्यम से। ये लगभग मंदिर कब से बना हुआ है? अरे कब लोग पूजा करते थे कुछ जानकारी है? पुजारी भी थे, पुजारी भी मर गया, कोई नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप? जीर्णोद्धार। हमारे सामने एक पंडित जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है मंदिर को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के? जैसा कि मैं यहाँ संस्कृत विभाग का प्राध्यापक हूँ, और मेरी मांग यही है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर पूजा भजन कीर्तन हो, और यहाँ पर सभी लोग आकर के तमसा नदी में स्नान करें, स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को जल दें, और यही हमारी जो है बहुत हार्दिक कामना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार। हमारे सामने एक मैडम जी भी यहाँ उपस्थित हैं और प्रिंसिपल हैं उस विद्यालय के, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको ये कार्यक्रम जो आप करवा रही हैं, तो कैसा इस क्या होता है इसमें? नमस्कार, हम NSS शिविर लगाए हुए हैं, 7 दिन का ये 7 दिवसीय है। इसमें हम इस मंदिर की साफ सफाई, क्योंकि ये मंदिर बहुत उजड़ चुका है, यहाँ की शिवलिंग भी हटाई दी गई है, हम चाहते हैं इसका पुनर्निर्माण हो, लोगों की आस्था श्रद्धा विश्वास बना रहे, और लोगों का इस मंदिर के माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से लोगों का कल्याण होता रहे। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में क्या बच्चों को अभी तक सिखाया गया आप सबके माध्यम से? राष्ट्रीय सेवा योजना का तात्पर्य है समाज के माध्यम से, राष्ट्र के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास है। इसमें यही सिखाया जाता है कि जिसके पास जो भी प्रतिभा हो वह उसका प्रदर्शन करे, उसके सामने, सबके सामने लाए, और एक दूसरे का आपसी सहयोग, सद्भावना बढ़े, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, इस प्रेम भाव के साथ एक एक व्यक्ति करके, एक एक पर्सन करके समाज, राष्ट्र, और इस तरह से पूरे देश का
विकास हो, सभी आपसे प्रेम सद्भाव के साथ आगे बढ़े। जैसा कि अभी आपने मैडम जी ने जरूर घोरा अपाप गारिणी दयान धनवागंध मया गिरदंदा विजागृति जा विभुंगी दंदा देवी भर जवी शिवांगिरीदा गुरु ममाई वंदे गुरु घन जगद ओम दिवे नवजदा गिरीदा जा वदाम श्री यथाना सर्वमे जय जय जवा तुम ओम जलो ओ जदरी विधानसभा अध्यक्ष थे उनके कर कमलों द्वारा जो है यहाँ शिलान्यास हुआ था और वो भी आए थे। बहुत मजबूत बना था, देखिए गुंबज अभी सही है। और ये बाबा अवैधनाथ के कर कमलों द्वारा उद्घाटन है तो जाए चाहिए। बाबा अवैधनाथ